चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब। आई जस्ट होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस आज है मंडे और अभी लगभग 11 बज चुके हैं या बजने वाले हैं, मुझे पता नहीं है अभी। और अभी ये देखिए हेयर वॉश किया है तो बाल बहुत बाउंसी हो गए हैं। एंड गाइस आज मंडे है तो आज अगेन मेरा फास्ट है। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी ग्रीनरी रखी हुई है, वहाँ पे भी और वहाँ पे भी। और जो वो वाले दोनों पौधे हैं ना, वो इनको बहुत अच्छे लगते हैं। और जो ये वाला और ये जो ये दोनों हैं ये मुझे अच्छे लगते हैं। और ये देखिए और इसके ऊपर भी है, ये देखिए। तो ढेर सारे प्लांट्स अभी लगा रखे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यार। ग्रीनरी किसको नहीं अच्छी लगती, सबको अच्छी लगती है। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है, लॉकडाउन में क्या करते हैं आप लोग सारा दिन। मैं तो वीडियोस बनाती हूँ। एंड गाइस पता नहीं क्यों मुझसे ना हाथ में फ़ोन पकड़ के ब्लॉगिंग नहीं होती है, मतलब दूर मैं इस तरीके से फ़ोन नहीं पकड़ पाती हूँ। क्यों यहाँ पर पेन होने लगता है, तो या तो मैं इस तरीके से फ़ोन रखती हूँ या फिर तो मैं ट्राइपॉड भी लगाती हूँ। और मेरी सेल्फी स्टिक इरा से ना टूट गई है और मैं मंगा नहीं पाई हूँ अभी, तो मैं सेल्फी स्टिक मंगाऊंगी, उससे ना पेन नहीं होता है और काफ़ी अच्छा उससे रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये देखिए। एंड गाइस आप लोग ना काफ़ी दिनों से बोल रहे हो कि मीनाक्षी के इंगेजमेंट वाले वीडियोस क्यों नहीं शेयर कर रही हो, तो उसका रीज़न है कि मैं सोच रही हूँ ना कि मैं पहले घर पे जाऊँ, मतलब मेरे मायके कुछ दिनों में मैं जाने वाली हूँ, तो वहाँ जाके वो सारे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं ना आपको इन डिटेल बताने वाली हूँ कि उस ड्रेस के बारे में क्या हुआ था, वो ड्रेस जब हमने ख़रीदी तो, और उसकी ज्वेलरी जो थी, सब कुछ मैं आपको इन डिटेल बताने वाली हूँ। तो वहाँ पर वो सारा सामान रखा हुआ है, तो घर पर जाके मैं अच्छे से आपके साथ शेयर करूँगी। एंड गाइस आपको मेरी आँखें थोड़ी थोड़ी रेड लग रही है ना। एंड गाइस मुझे हल्का सा कोल्ड हो गया है तो आइज़ थोड़ी थोड़ी सी रेड हो गई है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई एम रियली सॉरी, मैं वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी और नीचे मुझे कुछ काम याद आ गया था तो मुझे नीचे जाना पड़ा। और अभी मैं आ गई हूँ वापस से छत पे, तो अभी सारा काम हो गया है, सबने खाना पीना खा लिया है। और आज मैंने सोचा था कि थोड़ा टाइम मिलेगा दिन में तो मैं अपना ही सूट स्टिच करूँगी। काफ़ी टाइम से वो रखा हुआ है, मैं उसको स्टिच नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अब तो 3 बज रहे हैं तो अब तो नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए सो गाइस ये देखिए, ये है मेरा सूट, ये है इसकी सलवार और ये कुर्ती है। ये देखिए कलर ना इतना अच्छा आ नहीं रहा है जितना अच्छा इसका लग रहा है। और ये इसका दुपट्टा है और बहुत ही सिंपल है डेली यूज़ के लिए। और मैं इसलिए सोच रही हूँ कि ना अभी समर्स हैं तो कॉटन के कपड़े समर्स में अच्छे रहते हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ इसका। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सलवार कौन सी है और कुर्ती कौन सी है। जब मैं इसका मेज़रमेंट करूँगी तब समझ आएगा अच्छे से। और ये दुपट्टा है, बहुत प्यारा सा कलर है, बहुत कूल सा कलर है, ये देखिए। देखिए अच्छा लग रहा है ना। और वैसे तो मैंने सोचा था कि आज मैं इसको स्टिच कर लूँगी, लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मीन्स के 3 बज चुके हैं और अभी 4 बज जाएंगे, फिर चाय बनाने का टाइम हो जाएगा। 4 बजे हमारे सब लोग चाय पीते हैं और फिर मैं कर नहीं पाऊँगी, तो आज नहीं करते हैं, कल देखते हैं। देखिए अभी मैं इसको फोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ क्योंकि कॉटन का है तो बहुत जल्दी से सूख जाता है। सो गाइस अभी मैं लगाऊँगी मेहंदी। अचानक से ना मुझे अभी ये कोट दिख गया तो मैंने कहा ठीक है लगा लेते हैं। और बहुत दिनों से मेरा मन भी था मेहंदी लगाने का, और मैंने इतने मन से इतने प्यार से बहुत ही सिंपल सा सुंदर सा डिज़ाइन बनाया था, बहुत सुंदर लगेगा गाइस। आप लोग देखना जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। और अचानक से क्या हो गया ये भी आप वीडियो के आगे देखेंगे। ये मेहंदी लगाना पूरा वेस्ट हो गया था। एंड गाइस मुझे नहीं पता था कि बैकग्राउंड नॉइज़ इतना गंदा आ रहा है। मुझे लगा चलो ठीक है ब्लॉग है फ़ैन ऑन रहने देते हैं, लेकिन ये तो बहुत गंदा लग रहा था। आई एम रियली सॉरी। आगे से मैं हमेशा ध्यान रखूँगी, चाहे मैं वीडियोस बनाऊँ या ब्लॉगिंग करूँ, मैं फ़ैन ऑन बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा सिंपल सा इजी सा मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लग रहा है। गाइस ये देखिए मैंने मेहंदी अप्लाई कर ली है और कितनी प्यारी लग रही है ना। आप लोग बताइए आपको कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है और हाईली मुझे 5 मिनट लगे होंगे इसे लगाने में। और अब मैं 15 मिनट लगभग इसको ऐसे ही ड्राई होने दूँगी, उसके बाद इसको रिमूव कर दूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कैसा कलर आया है इसका। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:30 और मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय बनाते हुए मुझे एक टिप याद आया जो मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। तो जब भी आप चाय बनाते हैं और चाय के बर्तन के अराउंड जो चाय पत्ती लग जाती है उसको इस तरीके से चम्मच से रिमूव करते रहा कीजिए, तो आपको चाय का बर्तन धोने में परेशानी नहीं होती है। तो गाइस ये देखिए मेहंदी का कलर कितना प्यारा आया है। ये देखिए पता भी नहीं लग रहा है ना मेहंदी लगाई है, बिल्कुल भी कलर ही नहीं आया। पता नहीं क्यों बिल्कुल कलर नहीं आया। ये देखिए आप, लग ही नहीं रहा है कि मैंने आज मेहंदी लगाई है। शायद इसीलिए कलर नहीं आया क्योंकि ना ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी और बहुत ड्राई सी हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने लगा ली तो इसीलिए शायद कलर नहीं आया होगा। और ये देखिए गाइस मैं अभी झाड़ू लेकर आई हूँ छत पे झाड़ू लगाने। एंड गाइस मैं खड़े होके वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ, वैसे अच्छा व्यू आ रहा है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे छत पे एक आंटी बैठी हुई है तो उनको लगेगा कि मैं फ़ोन से ऐसे करके क्या कर रही हूँ, इसलिए नहीं बना रही हूँ। तो वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड गाइस आप किस टाइप के वीडियोज़ चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।